पर खरी भिड़ हो गए। आप लोग को इसी ब्रिज में है, आपके काम की कोई चीज नहीं है। मित्रों खूब खूब आभार। थैंक यू मित्रों। चलिए चौदह के लोकसभा के चुनाव से पहले हमारी पार्टी की व्यवस्था मीडिया के लिए खड़ी हो और जिस प्रकार से देश को गुजरात से पास से अपेक्षा है वो अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए गुजरात के भारतीय कार्यकर्ता अपने विचार मतदार समक्ष देश समक्ष गुजरात समक्ष रखे, इसके लिए आज इस कार्य शिविर में पूरे दिन के एक दिन के कार्य शिविर में विविध मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आज की शिविर में माननीय श्री अरुण जेटली जी, माननीय श्री स्मृति ईरानी जी, माननीय श्री निर्मला जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रांत के पदाधिकारियों का मार्गदर्शन इस शिविर में प्राप्त होने वाला है। देखिए कांग्रेस जिस प्रकार से बयानबाजी कर रही है उससे बात साबित होती है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से हड़बड़ा गई है। कांग्रेस की जिस प्रकार से नकारात्मक राजनीति देश समक्ष आ रही है, कांग्रेस मुक्त मतदार मन बना रहे हैं और इस सभी कारणों से कांग्रेस के निवेदन करने वाले नेता बयानबाजी अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्य है 2014 के लोकसभा से चुनाव से पहले पहले पार्टी की नीति, पार्टी का विचार और मतदार समक्ष रखे, साथ साथ कांग्रेस और केंद्र की यूपीए की सरकार को हम खुला करें। देखिए आप सब लोग मीडिया वर्कशॉप में विजुअल लेने वाले हैं, ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता का एक अलग प्रकार का मार्गदर्शन है। उनको तैयार करने के लिए, उनको आगामी दिनों में व्यवस्थाओं में जोड़ने के लिए कार्य शिविर हो रहा है, इसीलिए कार्यकर्ताओं को इसमें हमने सम्मिलित किया है। मीडिया के लोग आके विजुअल लेंगे और उनको पता चलेगा कि एक दिवसीय मीडिया वर्कशॉप कार्य शिविर का किस प्रकार से आयोजन किया गया है। देखिए जब चुनाव के माध्यम से हम कार्य करते हैं सभी प्रकार की तालीम हमारे कार्यकर्ताओं को हम जरूर देंगे।
मैं उनको बोल रही हूँ कि जो बात मैंने खुद सुनी नहीं है उसके ऊपर टिप्पणी करना मुझे लगता नहीं है उचित। राहुल गांधी ने जो हमला बोला है मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनको कहा है कि उनकी राजनीति खतरनाक है, क्या जवाब? मुझे लगता है कि हाल ही में जो सुर्खियों में आया है कि राहुल गांधी ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप नरेंद्र मोदी को गुजरात तक बांध के रखो, ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से क्या खतरा दिखाई देता है। बात ये भी सोचने वाली है कि 2012 में जो विधानसभा के चुनाव गुजरात में हुए थे उस वक्त पूरा का पूरा गांधी परिवार गुजरात आया था, जो दिल्ली का नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का वो भी गुजरात आया था, और गुजरात की जनता ने उस आक्रमण के सामने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही अपना समर्थन दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में अब वो घड़ी आई है जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरा कांग्रेस नेतृत्व देश को ये बताए कि कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही यूपीए की सरकार की वजह से क्यों महंगाई बढ़ी है, क्यों आज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, क्यों आज इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी पूरा का पूरा कोलैप्स हो रहा है, और क्यों आज जो जवाब जनता मांग रही है उस जवाब को देने की बजाय वो नरेंद्र मोदी पर बार बार आक्रमण कर रहे हैं। जो मैं कही थी तुझे मैं सामने